गुड़ा एवं सब बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे भाई? सर न्यूटन्स लॉ फॉर इक्वेशन फॉर ए सिस्टम। न्यूटन्स लॉ फॉर सिस्टम की इक्वेशन पढ़ी थी। क्या होती है बच्चा न्यूटन्स लॉ फॉर सिस्टम की इक्वेशन? सर जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट करते हैं वो सर उसके मास इनटू एक्सेलरेशन का सम होता है। किसका एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन तो सिस्टम में अलग अलग भी हो सकते हैं, तो एक्सेलरेशन किसका लेना है? सर इंडिविजुअल बॉडीज का। M1 A1 वेक्टर प्लस M2 A2 वेक्टर प्लस M3 A3 वेक्टर। यस सर। ये कॉन्सेप्ट है। अब देखिए बच्चों क्या है, अब हम बात करते हैं बच्चों किसकी, वेव मशीन। देखो वेव मशीन क्या होती है बच्चों, उससे अपन अपना वजन नापते हैं। वैसे सिंपल सी बात है ना, या कोई भी ऑब्जेक्ट को उसके ऊपर रख दो तो वो उसका वेट शो कर देती है। अब वेइंग मशीन बेसिकली आप ये कैलकुलेट कर लेती है कि जो भी ऑब्जेक्ट हमने उसके ऊपर रखा है, सपोज दिस इज अ वेइंग मशीन, और ये वेइंग मशीन मान लो ग्राउंड सरफेस पे रखी हुई है, और इसके ऊपर मान लो आपने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जो कि एम मास का है ना, तो क्या होगा बच्चों, इस एम मास के ऑब्जेक्ट का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, इस पर एम जी लग रहा है नीचे, नॉर्मल लग रहा है ऊपर, तो ये नॉर्मल किसने लगाया इस मास एम पे? सर वेइंग मशीन। वेइंग मशीन ने लगाया है ना। एम जी किसने लगाया है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ ने लगाया है ना। Yes. ये किसने लगाया? पूरी अर्थ ने लगाया है ना। तो अब क्या है, जैसे कि ब्लॉक, अब बात क्या है देखो, वेइंग मशीन पर ये ब्लॉक नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना, एंड देयर इज अ मैकेनिज्म इन प्लेस इनसाइड द वेइंग मशीन विच कैन मेजर दिस नॉर्मल फोर्स।
है ना, एंड बाय अज्यूमिंग नॉर्मल टू बी इक्वल टू एम जी, द वेग मशीन displays the reading in kilogram as n divided by g or m. ये बात समझ में आती है बच्चों? Am I audible? Yes, sir. है ना? अब देखो नॉर्मल सिनेरियो में तो ये परफेक्टली काम करेगा, लेकिन अगर मान लो ऐसा हो जाए इन केसेस लाइक दीज व्हेन द वेग मशीन इज प्लेस्ड इन अ मूविंग एलिवेटर, एक एलिवेटर है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रेट से एक्सेलरेट कर रहा है, उसके फ्लोर पर एक वेग मशीन रखी हुई है और ऊपर एक 5 किलोग्राम का ब्लॉक रखा हुआ, तो रीडिंग ऑफ वेग मशीन क्या आएगी? अब व्हाट विल वेग मशीन डू? वेग मशीन विल वेट, विल फाइंड आउट द नॉर्मल फोर्स ऑन 5 kg ब्लॉक. 5 kg ब्लॉक पे कितना नॉर्मल लग रहा है वो नाप लेगी. तो 5 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम नॉर्मल ऊपर, 5g नीचे, है ना? तो इक्वेशन क्या लिख देंगे अपन? n माइनस 5g इज इक्वल टू 5a. तो n की वैल्यू आ जाएगी 50 + 10 मतलब 60 न्यूटन. ऐसी नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी. अब वेग मशीन तो 60 न्यूटन को नापेगी और रीडिंग इन किलोग्राम कैसे बताती है वो? नॉर्मल को जी से डिवाइड कर देती. क्यों? तो 60 by 10 यानी के 6 किलोग्राम रीडिंग उसका. क्या बात समझ में आती है बच्चे? Yes, sir. तो है ब्लॉक 5 किलोग्राम का, लेकिन वेग मशीन कितना बता रही है? 6 किलोग्राम. उसी तरीके से अगर मान लो यही ब्लॉक, चलो कॉपी कर लो. हाँ बेटा एक मिनट. ये रहा. ये बात समझ में? अब फिर से वही वेइंग मशीन, उसके ऊपर 5 किलोग्राम का ब्लॉक रखा हुआ है और ये लिफ्ट नीचे जा रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन. तो हमें क्या कर कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द
रीडिंग ऑफ वेग मशीन। सर इस बार वेट कम आएगा ना? कम आएगा, बिल्कुल सही बात है। कैसे करेंगे बच्चा? भाई अपने को तो नॉर्मल नापना है ना, जब भी रीडिंग ऑफ वेग मशीन के क्वेश्चन आए तो इट इज लाइक अ क्वेश्चन वेयर यू आर बीन आस्क्ड टू कैलकुलेट नॉर्मल एंड देन व्हाट एवर द वैल्यू ऑफ नॉर्मल यू गेट यू डिवाइड दैट बाई जी, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से उसको डिवाइड कर दो। सर 4 kg आया। 4 kg आएगा, बिल्कुल सही बात है। सर एक डाउट, बोलो बेटा। सर जो हमें फाइनल आंसर आता है वो मास होता है या वेट होता है? मास ना। हाँ देखो, वेट वेट का यूनिट तो एक तरीके से न्यूटन होता है ना। यस सर। वेट का यूनिट किलोग्राम तो नहीं होता, वेट का यूनिट तो न्यूटन होता है। देखो इस पे नॉर्मल लग रहा है ऊपर और 5g नीचे। अब इसका एक्सेलरेशन नीचे है तो क्या इक्वेशन बनाएंगे? 5g माइनस एन इक्वल टू 5a, तो 50 माइनस एन इक्वल टू 10, एन इक्वल टू, तो नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी 40 न्यूटन। तो मास कितना आ जाएगा? नॉर्मल डिवाइडेड बाय जी, ये बेसिकली इसको मास बोलने की जगह बेटर है कि हम इसको क्या कहें, रीडिंग कहें जी। अच्छा अगर ये लिफ्ट का फ्री फॉल होने लग जाए तो क्या होगा? तो 10 मीटर पर सेकंड से नीचे जाएगा। हाँ फिर रीडिंग क्या बताएगा सर? कैलकुलेट कर। जीरो रीडिंग विल बी जीरो। हाँ सर जीरो है। क्यों भाई? नॉर्मल जीरो हो गया, सिंपल सा कारण है ना। यस सर। ब्लॉक का फ्री वॉल डायग्राम हम बनाते हैं तो लग रहा है नॉर्मल ऊपर, 5g नीचे, तो इक्वेशन क्या लिख देंगे? 5g माइनस एन इज इक्वल टू 5 इंटू जी।
फ्री फॉल का मतलब एक्सेलरेशन इक्वल टू जी, है ना? यस सर। तो 5g से 5g कैंसिल हो गया, इसका मतलब नॉर्मल आ गया जीरो। तो रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन विल आल्सो बी जीरो। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? यस सर। सर तो मतलब इसका मतलब रियल में सिग्निफिकेंस क्या होगा? क्या बोल रहे हो बेटे? मतलब रियल में मतलब ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों हुआ भाई? देखो आप ऐसे सोचो ना कि वेइंग मशीन पे कोई दबाव नहीं डल पा रहा, फ्री फॉल हो गया, पूरा गिरने लग गए, तो ये भी जी से जा रहा है, ये भी जी से जा रही है, तो ये ब्लॉक वेइंग मशीन पे कुछ नॉर्मल फोर्स एग्जर्ट नहीं कर पा रहा, नॉर्मल फोर्स नहीं एग्जर्ट कर पा रहा, तो इसके अंदर जो भी अपने मैकेनिज्म लगा हुआ है वो उस नॉर्मल फोर्स पे ही काम करता था ना। यस सर। तो वो जो भी उसकी निडल वगैरह रोटेट होती है वेइंग मशीन की, या सेंसर्स जो हैं वो कुछ शो करने लगते हैं, तो वो उस नॉर्मल को ही नाप के उनका जो भी रीडिंग आती है वो नॉर्मल की वजह से आ रही है, नॉर्मली जीरो हो गया है ना। ओके सर। हाँ बेटे। सर इसको ऐसे भी सोच सकते ना कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी लग रहा था नीचे, और इसका एक्सीलरेशन भी अभी जी हो गया, तो जब ये उल्टा करके जोड़ेंगे तभी वो माइनस में हो जाएगा, तो ओवरऑल एक्सीलरेशन जीरो हो गया। नहीं, उल्टा करके क्यों जोड़ोगे तुम? सर मतलब रिलेटिव ढूंढने के लिए। नहीं नहीं, रिलेटिव कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है अपने को। ओके सर। रिलेटिव से थोड़ी करते हैं अपन, अपन तो एक्सेलरेशन तो अर्थ के रेस्पेक्ट में ही पुट करते हैं ना हमेशा, है ना? हाँ, तो ये बोल सकते हो, एक तरीका अपन बना सकते हैं, ये बोल सकते हो कि एक इन एन एलिवेटर, इन एन एक्सेलरेटेड एलिवेटर, नॉर्मल बराबर होगा एम इंटू जी इफेक्टिव के, वेयर व्हाट इज जी इफेक्टिव? G effective is vector G minus vector A का magnitude, है ना? जैसे अगर lift मान लो 2 meter per second square से ऊपर जा रही है, तो G effective को कैसे लिखोगे आप? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जी, वेक्टर जी तो नीचे होता है, मान लो नीचे को -10 लिख दिया, तो -10 meter per second square माइनस एक्सेलरेशन तो ऊपर है, तो इसको तो +2 भी लिखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? -10 - 2 का मॉड, यानी 12 meter per second। और अगर ये नीचे जा रही होती लिफ्ट, तो जी इफेक्टिव कैसे लिखते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जी माइनस वेक्टर ए, यानी -10 - -2, तो -10 + 2 यानी -8 का मॉड, यानी 8 meter per second। ये बात समझ में आती है बच्चे? यस सर। तो जैसे इस केस में एक बार आपने जी इफेक्टिव पता कर लिया, तो नॉर्मल कितना हो जाएगा ऑन ए 5 kg ब्लॉक? एम जी इफेक्टिव तो 5 × 12, 60 newton का नॉर्मल इधर आ जाए। यहाँ पे नॉर्मल कैसा आएगा ऑन ए 5 kg ब्लॉक? ब्लॉक इंटू जी इफेक्टिव, तो 5 × 8 यानी कितना आ जाएगा? 40 newton की ये वैल्यू। समझ में आती बात बेटे? यस सर।
आप जैसा स्प्रिंग ये वेग मशीन होती है, उसी तरह से वेट मेजरमेंट करने के लिए एक और इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस में क्या होता है बच्चों, एक स्प्रिंग बनी हुई होती है, अब ये स्प्रिंग में होता क्या है बेटा, स्प्रिंग की अगर बात करें तो वो स्प्रिंग, किसी भी स्प्रिंग की दो प्रॉपर्टीज होती है, दो कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर होते हैं, एक तो होता है उसकी नेचुरल लेंथ, जिसको हम जनरली एल नॉट सिंबल से डिनोट करते हैं, और एक होता है उसका फोर्स कांस्टेंट, जिसको हम के नाम से डिनोट करते हैं। ये जो के होता है वो स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग बताता है ना, के को कई जगह स्टिफनेस भी बोल देते हैं, और ऐसा यूनिट ऑफ के होती है न्यूटन पर मीटर, ऐसा यूनिट ऑफ के इज न्यूटन पर मीटर। अब क्या होता है, स्प्रिंग एक्सर्ट्स फोर्स ऑन बॉडीज कनेक्टेड टू इट्स एंड्स, when it is deformed, deformed से हमारा मतलब क्या है, elongated or compressed। when it is deformed, either elongated or compressed, and the direction of spring force will be of pull type, will be of kaisa pull type when elongated, and direction of the spring force will be of push type, पुश टाइप कहें या आउटवर्ड डायरेक्शन में कहें। मतलब क्या है देखो, इस स्प्रिंग की लंबाई को अपन ने नेचुरल लेंथ से बढ़ा दिया, नेचुरल लेंथ एल नॉट है, अभी इसकी लंबाई को मैंने एल नॉट प्लस एक्स कर दी, तो क्या होगा, दोनों एंड पर स्प्रिंग ऐसे फोर्स लगाने लगे,
सर इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, हाँ बेटे सर इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, यस। दीज फोर्सेस विल बी ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स। Provided the spring is massless, है ना? और कितना होगा वो? वो x के directly proportional, और जो constant of proportionality होता है वही होता है k, आपका spring constant। ये वेक्टर फॉर्म में लिख दिया मैंने, है ना? वेक्टर फॉर्म मतलब डायरेक्शन भी इसी से पता चल रही है। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट अपोजिट टू है ना, मतलब अगर मैं इसको कंप्रेस कर देता तो ब्लॉक्स पे स्प्रिंग फोर्स कैसे लग रहा होता? कुछ इस तरीके से। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? Yes. है ना? और देखो इस बात से मैटर नहीं करता, यहाँ पर x क्या है, x को बोलते हैं x is deformation in the spring, मतलब ये कंप्रेशन भी हो सकता है और ये ऑफ कोर्स इलोंगेशन भी हो सकता है। और एक बात और जो मैंने यहाँ पे लिखाई थी वो क्या है, मासलेस स्प्रिंग क्या करेगी, विल ऑलवेज एक्सर्ट फोर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड at both its ends, है ना? और kx kx के बराबर का लगेगा। जैसे देखो सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ,
एम मास का ब्लॉक। एम मास का ब्लॉक है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है 200 न्यूटन पर मीटर, स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ में है, ठीक है, मान लो इस ब्लॉक का मास कुछ 1 किलोग्राम मान लीजिए आप, इसका मास मान लो कितना 1 किलोग्राम, एक तो ब्लॉक इस तो क्या होगा, ब्लॉक को हमने 2 सेंटीमीटर राइट में डिस्प्लेस कर दिया, क्या मैं बोल सकता हूँ स्प्रिंग भी 2 सेंटीमीटर से इलॉन्गेट हो जाएगी? यस सर। कितना फोर्स लगाएगी इस ब्लॉक पे? कितना फोर्स लगेगा बच्चों? क्या ये स्प्रिंग इलॉन्गेटेड स्टेट में पहुंच जाएगी कि नहीं? यस सर। 2 सेंटीमीटर का इलॉन्गेशन हो जाएगा, इसकी टोटल लेंथ हो गई एल नॉट प्लस 2 सेंटीमीटर, इसका मतलब इलॉन्गेशन हो गया, मतलब 200 × 2 सेंटीमीटर होगा ना? हाँ, तो फोर्स आ जाएगा के एक्स 200 न्यूटन पर मीटर इंटू ये लिखा हुआ है 2 सेंटीमीटर। अब आंसर न्यूटन में लेके आना चाहते हैं मान लो, तो सेंटीमीटर को भी मीटर में ही कन्वर्ट कर लें, कैंसिल हो गया, क्या वैल्यू आ गई 4 न्यूटन आ गई। बोलो बच्चे, अब ये जो 4 न्यूटन फोर्स आया है, अच्छा कोई हमसे पूछे कि बताओ दीवार पे कितना फोर्स लग रहा है? सर 4 न्यूटन ही लगेगा ना? 4 न्यूटन ही लगेगा ना सर, इस मतलब अंदर की तरफ लगेगा ब्लॉक पे लेफ्ट में और दीवार पर राइट में, है ना? इस तरह से लगेगा कि वो अंदर पुल करने की कोशिश कर, है ना? यस सर। देखो दीवार को हमने बिल्कुल भी डिस्प्लेस नहीं किया यहाँ पे, किया क्या? नो सर। लेकिन फोर्स तब भी 4 न्यूटन ही लग रहा है ना? तो ये नहीं मैटर करता कि मैंने ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया कि नहीं किया, कितना किया, फोर्स में क्या मैटर करता है कि डिस्प्लेस वगैरह होने के बाद कितना इलोंगेशन या कंप्रेशन स्प्रिंग में बचा, वो मैटर करता है। सर तो इसमें वर्क डन वगैरह भी पूछेंगे क्या? वर्क डन वगैरह पूछ सकते हैं, है ना? अभी तो खैर अपन ने वर्क पढ़ा नहीं है, तो अभी अपन वर्क की बारे में चिंतित नहीं है, है ना? हाँ, इसमें जैसे एक्सेलरेशन पूछ सकते हैं, इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगा ब्लॉक का,
तो फोर्स पता है, मास से डिवाइड कर दो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, है ना? यस सर, यस सर। अच्छा मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछ ले हमसे कि ये दो ब्लॉक्स हैं ए और बी, स्प्रिंग से बंधे हुए हैं, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है एल नॉट, है ना, और स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है 100 न्यूटन पर मीटर। मैंने बी ब्लॉक को 2 सेंटीमीटर मूव करवाया राइट की तरफ और ए ब्लॉक को 3 सेंटीमीटर मूव करवाया लेफ्ट की तरफ, तो मुझे क्या करना है? सर तो इंडिविजुअली मतलब फोर्स निकालेंगे? नहीं सर, एक्स का वैल्यू 5 लेके कर लेंगे। हाँ एक्स का वैल्यू 5 लेके कर लेंगे। क्या होगा इलोंगेशन इन, आपको तो क्या पता लगाना होगा, अगर कैलकुलेट करना है फोर्सेस ऑन बोथ द ब्लॉक्स, तो पहली बात तो क्या है, दोनों पे फोर्स बराबर मैग्नीट्यूड का लगेगा, ठीक है। ए पर इनवर्स लगेगा तो बी पर भी इनवर्स लगेगा और सेम मैग्नीट्यूड का, और वो कितना हो जाएगा, एफ को हम लिखेंगे के इनटू एक्स, मतलब 100 × x, एक्स इज 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब कितना आ गया, 5 न्यूटन के बराबर का फोर्स आ गया, क्यों बेटे? यस, है ना। ये एग्जांपल मैंने इसलिए लिया, कोई ये ना सोचे कि ए ब्लॉक पे 3 न्यूटन लगेगा, बी पे 2 न्यूटन लगेगा, है ना। ए पे निकालना है तो के इंटू 3 कर दें, बी पे निकालना है तो के इंटू 2 कर दें, ऐसा इंडिविजुअली नहीं निकालते हैं, है ना। क्या करते हैं, टोटल इलोंगेशन निकाल लेते हैं और टोटल इलोंगेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं के से, तो क्या आ जाता है, फोर्स आ जाता है। ये बात समझ में आती है बच्चों? यस। सर तो लेकिन इंडिविजुअली करके भी निकाल, मतलब प्लस कर देंगे तो सेम ही आएगा ना? हाँ क्या बोल रहे हो बेटे? नहीं नहीं इंडिविजुअली निकाल के करोगे तो सेम कैसे आएगा, गलत आ जाएगा ना। उसके हिसाब से तुमको क्या लगेगा, ए पे 3 न्यूटन लग रहा है, बी पे 2 न्यूटन लग रहा है, ऐसा लगेगा तो, जो कि गलत है। बात समझ में आ रही है? यस सर। सर तो फिर अगर मतलब एक्सेलरेशन का बात होगा तो फिर दोनों में से कोई एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा कि मतलब दोनों का सेम होगा? वो उनके मास पे भी डिपेंड करेगा सर, मास से डिवाइड कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, मास से डिवाइड कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। जैसे एक m1 है तो उसका एक्सेलरेशन आ जाएगा f/m1, f/ma, b का एक्सेलरेशन आ जाएगा f/mb, 5/ma, 5/mb, एक्सेलरेशन अलग-अलग आ सकते हैं, है ना। ओके सर, बट अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ है कि और भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो फिर हमें वो सब भी काउंट करके करना पड़ेगा ना? बिल्कुल। सर मतलब इसी जगह अगर 2 स्प्रिंग होती तो फिर?
तो स्प्रिंग होती तो दोनों का अलग अलग फोर्स निकालते है ना। ओके सर। अच्छा इसमें एक कॉन्सेप्ट और है स्प्रिंग से रिलेटेड, क्या है कि स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेचुरल लेंथ होता है। स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेचुरल लेंथ। इसका क्या मतलब है? देखो मान लो हमसे कहा जाए कि ये एक स्प्रिंग है, इसकी नेचुरल लेंथ है एल नॉट और फोर्स कांस्टेंट है इसका के। नेचुरल लेंथ है एल नॉट, फोर्स कांस्टेंट है के, है ना। इसको मैंने क्या किया, कट कर दिया ऐसे, सीजर से कट कर दिया इसको और दो पार्ट में इसको कन्वर्ट कर दिया, दो पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। उनकी लेंथ क्या आ गई, एल नॉट बाय टू, एल नॉट बाय टू उनकी लेंथ। तो अब उनका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? सेम स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब क्या होते हैं सर? वो सेम ही रहेगा स्प्रिंग कांस्टेंट? नहीं नहीं स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाएगा, के वन विल बिकम टू के, के टू विल आल्सो बिकम। स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब फोर्स कांस्टेंट, बट स्प्रिंग कांस्टेंट कहो या फोर्स कांस्टेंट कहो वो एक ही बात है भाई। देखो दो स्प्रिंग है, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट कम है, दूसरे का स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम है उसको भी एक सेंटीमीटर एलोंगेट किया और जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है उसको एक सेंटीमीटर एलोंगेट किया। तो क्या होगा, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है उसमें ज्यादा टेंशन जनरेट होगी, वो स्प्रिंग ज्यादा फोर्स लगाएगी, लगाएगी या नहीं? देखो yes, स्प्रिंग जो है वो अपने एक पेन में भी लगी होती है, बॉल बॉल पेन्स में, है ना। और स्प्रिंग जो है वो मोटरसाइकिल में भी लगी होती है, स्प्रिंग जो है वो कार में भी लगी हुई होती है, शॉकर्स में, है ना। सस्पेंशन सिस्टम जो होता है वो स्प्रिंग लगी होती है उसमें। लेकिन क्या होता है, जो पेन पेन में स्प्रिंग होती है वो जल्दी से कम फोर्स से ही डिफॉर्म हो जाती है, मोटरसाइकिल में और ज्यादा फोर्स चाहिए और कार में और ज्यादा चाहिए, क्यों बेटे? यस है ना। तो जितना ज्यादा स्प्रिंग कांस्टेंट है इसका मतलब उतनी ही ज्यादा स्टिफ है स्प्रिंग। स्टिफ का मतलब क्या है, जरा सा भी अगर उसको मुझे कंप्रेस करना है तो बहुत ज्यादा फोर्स लगाना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यस 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 इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस। ये बात सुन में आती है बच्चों? यस सर। यस सर। ओके अब देखिए क्या है, जैसे अगर मान लो ये स्प्रिंग है, इसकी नेचुरल लेंथ है एल नॉट
स्प्रिंग कांस्टेंट है के, इसको मैंने कट कर दिया, द गिवन स्प्रिंग इज कट इनटू टू पार्ट्स, having length in the ratio one is to two. तो हमें पता करना है find the spring constant of the each part. तो कैसे पता लगाएंगे? देखो 1:2 के रेशो में अगर आपने कट कर दिया इसको, तो इसका मतलब अपने पास जो दो स्प्रिंग बनी है, एक की लेंथ हो गई L नॉट बाई 3, दूसरे की नेचुरल लेंथ क्या हो गई 2L नॉट बाई, है ना? तो जो L नॉट बाई 3 लेंथ वाली स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट 3K हो जाएगा कि नहीं? इनवर्स के प्रोपोर्शनल है, लेंथ आपने 1/3 कर दी तो स्प्रिंग कांस्टेंट 3 गुना हो जाएगा. Why? Because since spring constant is inversely proportional to natural length. और similarly इसका कितना हो जाएगा? 3/2. 3K/2. है ना? आप जैसे याद रख सकते हो, फॉर स्प्रिंग्स मेड अप ऑफ सेम मटेरियल एंड आर ऑफ सेम थिकनेस, हम ऐसे लिख सकते हैं K1L1 इक्वल टू K2L2 इक्वल टू K3L3. वेयर L1, L2, L3 आर नेचुरल लेंथ्स ऑफ द स्प्रिंग्स. L1, L2, L3 are natural lengths of the springs. ठीक है बच्चों, सर ये वाला एग्जाम को आप वापस एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, तो जैसे मैंने क्या समझाया था, एक पहले भी मैंने बताया था कि स्प्रिंग कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेचुरल लेंथ होता है ना? Yes, sir. इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय नेचुरल लेंथ. इसका मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू नेचुरल लेंथ का जो प्रोडक्ट आएगा वो कांस्टेंट आएगा. Yes, sir. है ना? अब yes, क्या sir. है तो उसी हिसाब से इस वाले सवाल में अपन ने देखा, देखो अपने पास तीन स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग जिसकी नेचुरल लेंथ एल नॉट है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड किया तो एक की लेंथ एल नॉट बाई 3 और एक की लेंथ 2L0/3 ऐसी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो Yes, sir. ये चीज मानते हो तुम 1:2 के रेशो में डिवाइड करोगे. अब एल नॉट बाई 3 का स्प्रिंग कांस्टेंट आप K1 मान लो, 2L0/3 का स्प्रिंग कांस्टेंट आप K2 मान लो, तो क्या हो जाएगा? K1L1 should be equal to K2L2.
इक्वल टू के थ्री एल थ्री है ना। देखो क्या है, के वन इंटू एल नॉट बाई थ्री इक्वल टू के इंटू एल नॉट, ऐसा लिख सकते हो आप? यस सर। एंड दिस इज इक्वल टू के टू इंटू टू एल नॉट बाई थ्री, तो क्या आ जाएगा? जैसे इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर लो, एल नॉट से एल नॉट कैंसिल हो जाएगा, के वन की वैल्यू थ्री के बराबर आ जाएगी कि नहीं? यस सर। उसी तरह से इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ सॉल्व कर लो, तो एल नॉट से एल नॉट कैंसिल हो गया, यानी के टू की क्या वैल्यू आ गई? थ्री के बाय टू। बोलो ओके। हाँ सर। ऐसा हो। हाँ अब सर। देखो ऐसे और किस तरह के सवाल बनते हैं वो समझो। ये तीन बॉल्स हैं, तीनों का मास m, और मासलेस स्प्रिंग से ये सस्पेंडेड है। ये है स्प्रिंग ए, ये है स्प्रिंग बी, सबसे ऊपर है स्प्रिंग सी। द सिस्टम शोन इन फिगर इज इन इक्विलिब्रियम। Find the tension generated in the three springs. And if spring B is cut, then find accelerations of मान लो इस मासेस का, इसका मास में बोल देता हूं वन टू थ्री, accelerations of masses वन टू एंड थ्री immediately after spring is cut. Immediately after spring is cut. सर हाँ
सर क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम लिखा तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि स्प्रिंग एक्सटेंड या मतलब इलॉन्गेट या कंप्रेस नहीं हो। हाँ इलॉन्गेटेड या कंप्रेस्ड हो सकता है, बस उन्होंने ये दिया हुआ है कि इक्विलिब्रियम में है ओके ना, सर। वॉट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर इक्विलिब्रियम दैट इज देयर। क्या आया बच्चों? देखो जो सबसे नीचे वाला ब्लॉक है ना, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दो आप। तो वन का उस पर क्या फोर्स लगेगा? mg नीचे तो एफ ए फोर्स एग्जर्टेड बाई स्प्रिंग ए ऊपर लगेगा, और क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो एफ ए माइनस एम जी इज जीरो, तो एफ ए की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बेटे? एम जी के बराबर। ये बात मानते हैं? यस अब देखो ये स्प्रिंग इस वन ब्लॉक पे ऊपर फोर्स लगा रही है, इसका मतलब स्प्रिंग इलोंगेटेड स्टेट में है। इलोंगेटेड स्टेट में है तो जब मैं टू का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो टू पर क्या होगा? ये जो नीचे वाली स्प्रिंग है ये नीचे फोर्स लगा रही होगी, ए स्प्रिंग नीचे फोर्स लगा रही होगी, और एम जी भी लग रहा होगा नीचे। अब इन दोनों फोर्स को बैलेंस करने के लिए स्प्रिंग बी को ऊपर फोर्स लगाना पड़ रहा होगा, तो क्या हो जाएगा? एफ बी की वैल्यू बराबर आ जाएगी एफ ए प्लस एम जी के, है is equal to 2 mg। ना? एंड दिस इज इक्वल टू 2 mg। यस और अगर थर्ड वाले की बात करो तो थर्ड वाले के साथ क्या होगा?
अब ये स्प्रिंग टू इलोंगेटेड थी तो स्प्रिंग बी इलोंगेटेड थी, तो इस पर एफ बी एक नीचे लग रहा है, इसका खुद का वेट एम जी नीचे, तो एफ सी ऊपर लगना पड़ेगा तभी इक्विलिब्रियम में रह पाएगा। तो आप लिख दो एफ सी माइनस एफ बी माइनस एम जी इक्वल टू जीरो, यानी एफ सी की वैल्यू बराबर आ जाएगी एफ बी प्लस। कितना आ गया 3mg, है ना बच्चों? ये बात समझ में आती है? Yes, sir. अब इसके अगले पार्ट पे आते हैं। अगले पार्ट में क्या बोल रहे हैं कि हमने वो बीच वाली स्प्रिंग है स्प्रिंग बी उसको कट ही कर दिया, कि बीच वाली स्प्रिंग को हमने क्या किया इसको कट कर दिया। अब जब आप इस बीच वाली स्प्रिंग को कट कर दोगे तो क्या होगा बच्चों? देखो ध्यान दो कि किसी भी स्प्रिंग में टेंशन कब चेंज होगी, जबकि उसमें कंप्रेशन या डिफॉर्मेशन जो है वो चेंज होगा, है ना? यस सर। फॉर टेंशन in spring to change its elongation or compression must change, hello, and for this the objects connected to a spring must move अब जैसे ये ए है, ये बी है, या हमने कुछ अलग तरह से नाम दिया हो, तो ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, तो ये मान लो कि आप चाहते हो कि स्प्रिंग ए की टेंशन चेंज हो या स्प्रिंग बी की टेंशन चेंज हो या स्प्रिंग सी की टेंशन चेंज हो, तो स्प्रिंग ए में टेंशन चेंज करने के लिए ये वन को और टू को मूव करना पड़ेगा ना कहीं ना कहीं, तभी तो इसमें टेंशन चेंज होगी। यस, है ना? अब देखो वन और टू पे का दोनों का कुछ ना कुछ मास है, बोथ हैव सम मास, and if they have some mass they have some inertia also, है ना? And if they have some inertia that means क्या है भाई, they cannot suddenly acquire large velocity और अचानक से गायब होकर के तो दूसरी जगह पे नहीं पहुंच सकते ना। हाँ मूव कर जाएंगे लेकिन मूव करने में उनको टाइम लगेगा। हाँ सर ठीक है। सो हमसे क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन में हमसे एक इम्पोर्टेंट शब्द पे यहाँ पर हमारा ध्यान रहता है, इमीडिएटली आफ्टर पूछा है ना? इमीडिएटली आफ्टर का मतलब क्या है, कट करने के तुरंत बाद। तो इमीडिएटली आफ्टर हम ये मान सकते हैं कि किसी भी ब्लॉक की पोजीशन में चेंज नहीं होगा, और किसी भी ब्लॉक की पोजिशन में चेंज नहीं होगा तो अकॉर्डिंगली जो जो स्प्रिंग से ब्लॉक्स अटैच्ड हैं पूरी तरीके से उनके कंप्रेशन या उनके टेंशन में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना? इमीडिएटली आफ्टर स्प्रिंग बी इज कट since time is infinitely small since time is infinitely small
इन सच अ टाइम पोजिशन ऑफ द थ्री बॉल्स इसका मतलब क्या है? देखो, थ्री जहां पे है वहीं पे रहेगी, ये जो थ्री वाली बॉल है ये जहां है वहीं की वहीं रही, टू वाली बॉल जहां है वहीं की वहीं रही, वन वाली बॉल जहां है वहीं की वहीं रही, है ना। क्या मैं बोल सकता हूं कि टेंशन इन स्प्रिंग ए एंड स्प्रिंग सी विल बी सेम एज बिफोर? नो सर। यस, बोल सकते हैं। सर बट लेकिन वो तो कंप्रेस होंगे ना। हाँ, क्या होंगे सर? मतलब पहले उनमें इलॉन्गेशन था ना सर, तो अभी वो कंप्रेस हो जाएंगे ना, मतलब थोड़े। हाँ, कंप्रेस होने के लिए इनको चलना पड़ेगा ना भाई, इनको चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा बताओ। अगर ये वाली बॉल मूव नहीं करती, मान लो ऊपर चली जाती है, तुम्हारे कहने का मतलब यही है ना सर, ये वाली बॉल तो ऊपर चली जाएगी। हाँ सर, वो ऊपर चली जाएगी तो उसमें इलोंगेशन कम हो जाएगा, है ना, तो टेंशन भी कम हो जाएगा, यही बोलना चाह रहे हो तुम, है ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, ऊपर जाएगी, लेकिन ऊपर जाने में कुछ टाइम लगेगा ना, एक सेकेंड, आधा सेकेंड, है ना। मैं बात कर रहा हूं कि कट करने के माइक्रो सेकंड बाद, नैनो सेकंड बाद, पीको सेकंड बाद, फेमटो सेकंड के बाद, कट करने के 10^-15 सेकंड के बाद क्या होगा, उसकी बात मैं कर रहा हूं। तो उतने कम टाइम में तो ये ऊपर नहीं जा पाएगी ना। हाँ सर, ऊपर जाएगी ये बात सही है, लेकिन बहुत कम टाइम ले लिया, उससे भी छोटा टाइम ले लिया, 10^-30 सेकंड ले लिया, उतने टाइम में तो ऊपर नहीं जा पाएगी ना ये। नहीं सर। तो क्या उतने टाइम के लिए बोल सकता हूँ ये वाला स्टेटमेंट? यस सर, है ना, सेम एज बिफोर। ये कब है? इमीडिएटली आफ्टर सर। लेकिन वो जो सी वाली स्ट्रिंग होगी सर, जो नीचे है, जो लास्ट में है सर, वो तो मतलब वो वाली तो नीचे होगी ना सर। कौन सी वाली? ये ए वाली, ये वाली। हाँ सही है, ये वाली। देखो, इसके भी एक एंड पे ब्लॉक अटैच्ड है, दूसरे एंड पे ब्लॉक अटैच्ड है, है ना। अब इनको ऊपर नीचे जाने में टाइम तो लगेगा ना बेटा, कि नहीं लगेगा? जैसे इससे ऊपर से स्प्रिंग कट करे तो इसकी टेंडेंसी नीचे जाने की होगी, हो सकता है इसकी भी नीचे जाने की हो, लेकिन इनको नीचे जाने में टाइम लगेगा। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि यही जितनी थी उतनी बनी रहेगी हमेशा, ऐसा नहीं बोल रहा। मैं सिर्फ कब की बात बोल रहा हूं, जस्ट आफ्टर कटिंग की बात बोल रहा हूं। जस्ट आफ्टर कटिंग तो ये बोल सकता हूं ना कि नहीं बोल सकता? हाँ बोल सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बोल सकता हूं कि जो स्प्रिंग बी है ना, स्प्रिंग बी में तो तुरंत ही टेंशन जीरो हो जाएगी। नोट दैट In spring B, one which is cut, tension will immediately become zero after cut. ये बात समझ में आ रही है? यस सर। वो स्प्रिंग बी के बाद क्या लिखा आपने? वन विच इज कट, है ना, जिसको काटा गया सर। सर बट हम लोग इसमें तो इमीडिएटली कंसीडर करते, तो उसमें थोड़ा टाइम नहीं लगेगा क्या? हाँ,
इसमें हम कहते हैं कि इसमें टाइम नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि देखो ये स्प्रिंग बी जो है वो कुछ ऐसी होगी, ये है आपकी क्या स्प्रिंग बी। अब देखो ये इनका मास है ना, ये टू है ये थ्री है, तो टू को मूव करने में टाइम लगेगा, थ्री को मूव करने में टाइम लगेगा, लेकिन जो सिरा इसका फ्री हो चुका है ये तो मासलेस है ना, है कि नहीं? इमीडिएटली मूव कर जाएगा, तो ये मासलेस है। और इस पर अगर मान लो आप ये मानते हो कि कुछ टेंशन रहती है, मान लो कुछ टेंशन रहती है, तो वो टेंशन इस मासलेस ऑब्जेक्ट में तो इनफाइनाइट एक्सेलरेशन जनरेट करवा देगा कि नहीं करवा देगा? तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि क्या होगा, वाई बिकॉज द टू फ्री एंड्स जनरेटेड हैव जीरो मास, हेंस दे विल हैव इनफाइनाइट एक्सेलरेशन। And will immediately move and make the tension in a spring be zero. ये बात सुनना आती है बच्चे? सर इसे ऐसे भी समझ सकते हैं ना कि अगर वो कट हो गया तो उसका जो एक एक हर मतलब हर एक पार्ट का जो एक एंड है वो तो किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो कुछ टेंशन ही नहीं होगी। हाँ ऐसा भी समझ सकते हैं, है ना? फ्री एंड रहेगा तो उसमें टेंशन कैसे ही रहेगी। लेकिन अगेन जो डाउट आता है लोगों के मन में वही आता है कि सर वो अभी नेचुरल लेंथ पे तो है नहीं, तो टेंशन तो होनी चाहिए, पहले तो इलोंगेटेड ही था ना, कट करने से पहले इलोंगेटेड था, है ना? तो टेंशन जीरो होने के लिए उसको नेचुरल लेंथ पे तो पहुंचना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे कैसे पहुंच रहा है नेचुरल लेंथ पे इमीडिएटली? क्योंकि उसका मास जीरो है, तो इसके लिए पॉसिबल है इमीडिएटली नेचुरल लेंथ पे पहुंच पाना, है ना? इसका इनफाइनाइट एक्सेलरेशन हो सकता है। समझ में आ रही है बात बच्चों? यस सर। सर मतलब मासलेस होने की वजह से उसपे कोई इनर्शिया नहीं है? इनर्शिया नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ये इनर्शिया होता है, मासलेस होने की वजह से उसका कोई इनर्शिया नहीं है। आई बात समझ में बच्चों? यस। अब एक बार हमें ये पता चल गया कि बीच वाली स्प्रिंग में टेंशन जीरो हो चुकी है, तो फिर उसके हिसाब से अब हम क्या कर सकते हैं, और बाकी स्प्रिंग में टेंशन चेंज नहीं हुई है, है ना? ये दो चीजों का ध्यान में रखते हुए अब इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे के आप ये डायग्राम बना दोगे, है ना? ये M मास का ऑब्जेक्ट है वन, ये टू और ये थ्री, और ये स्प्रिंग A, ये स्प्रिंग B, और ये स्प्रिंग C, है ना? हमने कहा था स्प्रिंग A में टेंशन चेंज नहीं होती, तो इसमें टेंशन कितनी रहेगी? Mg की Mg रहेगी। इसमें जीरो हो चुकी है, जिसका एक एक सिरा फ्री हो गया उसमें टेंशन जीरो, और ऊपर वाली में पहले टेंशन 3mg थी, तो बाद में भी कितनी रहेगी? 3mg ही रहेगी। अब सबका अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। जैसे ये थ्री वाली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं,
तो ऊपर फोर्स लग रहा है 3 mg और नीचे फोर्स लग रहा है mg, तो इस थर्ड का एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 3 mg माइनस mg, नेट फोर्स ऊपर हो गया डिवाइडेड बाय, नहीं सर, तो ये 3g इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा, किधर आ जाएगा? ऊपर, 2g आ जाएगा, सॉरी। ये बात समझ में आती है? सेकंड वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। अब इसमें ऊपर से कोई टेंशन नहीं लग रहा और नीचे तो इसका एक तो वेट लग रहा है mg, और एक ये स्प्रिंग ए जो फोर्स लगा रही है वो भी mg लग रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ 2 लिखेंगे तो mg नीचे, एक और mg नीचे, डिवाइडेड बाय इसका मास यानी 2g डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा, है ना। अब देखो, आप में से हो सकता है कुछ लोग फिर कंफ्यूज हो जाएं। आप कहोगे अरे सर एक्सेलरेशन आ तो गया 3 के पास, 2g एक्सेलरेशन आ गया तो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा तो फिर ये टेंशन 3 mg कैसे रहेगी? मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि 3 mg रहेगी, बदलेगी, लेकिन बदलने में क्या होगा? टाइम लगेगा। टाइम लगेगा इमीडिएटली। तो भाई एक्सेलरेशन फाइनाइट है, मान लो आपने कहा इतना एक्सेलरेशन आ गया, इस एक्सेलरेशन से बताओ कि 10^-15 सेकंड में कितनी वेलोसिटी आ जाएगी? वी इक्वल टू यू प्लस एटी भी लगाओगे तो बहुत कम वेलोसिटी आएगी, आएगी कि नहीं? उस बहुत नेग्लिजिबल कम आएंगे। वेलोसिटी, नेग्लिजिबल वेलोसिटी, उस नेग्लिजिबल वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट जीरो। है ना। तो हाँ, कोई हमसे पूछे बताओ क्या इसका एक्सेलरेशन 3g ही रहेगा क्या हमेशा? तो ये बात गलत है। एक्सेलरेशन थ्री ये सॉरी एक्सेलरेशन 2g ही रहेगा क्या हमेशा? तो ये एक्सेलरेशन 2g नहीं रहेगा, ये एक्सेलरेशन धीरे धीरे इसका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा टेंशन 3 mg से कम हो जाएगी, तो नेट फोर्स 2 mg से कम हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन 2g से कम हो जाएगा। ये बात समझ में आती है बच्चों? यस अच्छा, 1 की अगर बात करें तो 1 पर उसका वेट mg तो लग ही रहा है, और स्प्रिंग ए का फोर्स यानी mg ऊपर लग रहा है, तो एक्सेलरेशन ऑफ 1 तो 0 ही आ जाए। लेकिन ये जो हमने कैलकुलेट करी है, दीज आर इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ एक्सेलरेशंस। ये क्या है बच्चों? इस मोमेंट पे एक्सेलरेशन है, हमेशा इतना नहीं रहेगा, दीज आर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशंस। समझ में आई बात? यस तो कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास के इमीडिएटली आफ्टर अगर आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो आप क्या कर सकते हो? जिस स्प्रिंग का एंड फ्री हो गया है ना, उसमें तो टेंशन इमीडिएटली 0 हो जाएगी, और जिस स्प्रिंग के दोनों एंड पे कोई ना कोई मास अटैच्ड है उसमें अचानक से चेंज टेंशन नहीं होगी। कर सकते हो बच्चों इस तरह का? तो मैं एक सवाल दे रहा हूँ, वो तुम घर से करके रह के आना। क्या है ये? ये 2m मास है, ये m मास है, ये मान लो ये भी m मास। अब की बार हमने क्या किया, ये लेट्स से दिस इज स्प्रिंग 1, दिस
दिस इज स्प्रिंग टू, दिस इज स्प्रिंग थ्री, ये ब्लॉक का नाम ए बी सी। फाइंड एक्सेलरेशंस इमीडिएटली आफ्टर स्प्रिंग वन इज कट, स्प्रिंग वन कट कर दे, उसके तुरंत बाद एक्सेलरेशंस इनके क्या होंगे। ठीक है बच्चों? यस सर। ओके, तो ये आपको ए का मास टू है मैं क्या? हाँ, ए का मास टू है सर। आप एक सेकंड के लो, प्रीवियस क्वेश्चन में सबसे पहला पेज दिखा सकते हैं? हाँ, ये वाला। यस सर। सर आपने जो क्वेश्चन दिया उसमें सिस्टम इक्विलिब्रियम में रखेंगे ना शुरू में? हाँ, इसमें कहा गया है, देखो मैंने स्पेसिफिकली लिख दिया था यहाँ से। नहीं सर, आपने जो होमवर्क में जो क्वेश्चन दिया है, हाँ हाँ हाँ, उसमें भी शुरू में इक्विलिब्रियम, इनिशियली दे वर इन इक्विलिब्रियम। ओके सर। ओके बच्चों, थैंक यू सर। ओके बेटा।